गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे घर पर। मैं रोहित सर आपके लिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लेकर आया हूं। इसमें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम केवल फ्यूजन और बडिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं अपने इस लेक्चर के अंदर केवल आपको यहाँ पर फ्यूजन और साथ में बडिंग के बारे में ही बताऊँगा। बाकी के जितने भी जो प्रोसेस हैं, आप रेगुलर मेरे वीडियो पर बने रहना, मैं आपको एक एक करके सारी वीडियो बताऊंगा। और आपको ऊपर यहाँ पर एक कार्ड आपको नज़र आएगा, आप उसको ओपन करके मेरी पिछली वीडियो को भी क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फ्यूजन। ये फ्यूजन क्या होता है? ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों। फ्यूजन क्या है कि दिस इज़ द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इंटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। मतलब ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल बॉडी दो या उससे ज़्यादा डॉटर सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल टू देम सेल्स, तो उसको हम कहते हैं बेटा फ्यूजन। फ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर द सिंगल पेरेंट बॉडी स्प्लिट इंटू टू और मोर डॉटर सेल्स इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन को जस्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इंटू द टू पार्ट्स। यहाँ पर मैंने आपको नेक्स्ट जो यहाँ पर दिखा रखा है मैंने कि जो फ्यूजन क्या है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन होपफुली आप सभी बच्चों को पता होगा कि बाइनरी फ्यूजन क्या है। ये एक प्रकार का प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें पेरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो केवल दो हाफ्स में ही क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड होते हैं। और जो हाफ्स में वो जो डिवाइड हुए हैं वो फिर इंडिपेंडेंट क्या कहलाते हैं, डॉटर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। फिर दोबारा से समझें, व्हेन ए सिंगल पेरेंट बॉडी स्प्लिट्स इनटू ओनली टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। आप ये डेफिनेशन भी बता सकते हैं। मैंने क्या बताया कि जब कोई भी एक पेरेंट बॉडी दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं या स्प्लिट होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। बाइनरी फ्यूजन के दौरान यहाँ पर माइटोसिस प्रोसेस देखने को मिलता है। माइटोसिस क्या होता है? व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट बी चेंज्ड इन द सेल डिवीजन प्रोसेस। एज इट इज़ क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम नंबर भी एज इट इज़ ही क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों आपको बताते हुआ चलो, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि अमीबा, यीस्ट, यूगलिना, ये सब बाइनरी फ्यूजन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बाइनरी फ्यूजन को डायग्रामेटिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे बच्चों अब हम, कि डायग्राम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये बनाया है अमीबा का। अमीबा में जो बिल्कुल बीच में जो ये डॉट नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो डॉट नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसमें जो जेली सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ये जो अमीबा है, इस अमीबा के अंदर सबसे पहले जो ये न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना स्टार्ट होगा। तो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि द फर्स्टली न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई। मतलब सबसे पहले न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, जिस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। तो सबसे पहले कोई भी सेल है या अमीबा है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, टू न्यूक्लियाई की फॉर्म में डिवाइड होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का, ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो दो डॉटर सेल्स यहाँ पे क्या हैं, बन जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो बेटा ये जो प्रोसेस है वो क्या है, बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा। होपफुली बच्चों आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकल वे में समझा सकते हैं, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और साथ में आपको मैं बताता हुआ चलूं कि मेरी जितनी भी जो वीडियो है उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। मेरे ऊपर जो जितने भी जो कार्ड्स हैं आप वो वीडियो ज़रूर देखें,
उससे भी आपकी जो नॉलेज है वो इन्हांस होगी बेटा, बढ़ेगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन को हम किस प्रकार से देखते हैं। अगर हम डिपेंड करते हैं कि डिपेंड अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन, तो बाइनरी फ्यूजन को हम डिफरेंट टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक एक करके सारे बता रहा हूँ मैं। सिंपल बाइनरी फ्यूजन, जिसको हम इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन भी कहते हैं, जैसे हमें अमीबा का पढ़ा था ना पीछे, जो डायग्रामेटिकल वे में एज इट इज, मतलब कि जो अमीबा है एक तो उसकी इररेगुलर शेप होती है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप तो होती नहीं है, वो किसी भी प्लेन में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, दो डॉटर सेल्स में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है बच्चों, सिंपल बाइनरी फ्यूजन में रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी फ्यूजन का जो दूसरा पार्ट है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी जो फ्यूजन है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो आपको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे आपको दिखाई देगा, किसी भी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो आपको कंप्लीट डिवाइड होता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आएगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो ये ज़्यादातर फ्लैजिलेट्स के अंदर होते हैं, जो फ्लैजिलेट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके अंदर ये देखने को मिलता है। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर यूग्लिना। तो यूग्लिना एक एग्जांपल मैंने लिया है फ्लैजिला का, तो इसमें डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ, डायग्रामेटिकल वे में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से डिवाइड होते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे ये मैंने यूग्लिना का डायग्राम शो किया है, ये जो बाहर जो ये आपको नज़र आ रहा है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा इनटू द टू हाफ्स, तो कैरियोकाइनेसिस होगी। फिर यूग्लिना के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल जो फूरो है वो अराइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक एक्सिस बनना स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से ये दो डॉटर सेल्स क्या होंगी, क्रिएट हो जाएंगी। अब दो डॉटर जो यूग्लिना है वो इजीली क्या हो सकते हैं, फिर सेपरेट हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, जब सिंगल पेरेंट बॉडी टू डॉटर सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। होपफुली बच्चों आपको ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस वाला समझ में आ गया होगा कि इसमें जो सेल डिविजन होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है, तो इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अब है नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। काफ़ी बच्चे अवेयर होंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन से, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन ऑफ डिवीजन आपको यहाँ पर जो नज़र आएगा, मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो डिवीजन होता हुआ नज़र आएगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस में आपको नज़र आएगा, मतलब इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल। एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूँ, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, डायटम्स एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे मैंने ये प्लेनेरिया का डायग्राम बनाया है, ये आईज हैं इसकी बच्चों, तो ये इसकी जो सेल बॉडी है नीचे से क्या हो जाएगी, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ट्रांसवर्स एक्सिस नीचे वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद नीचे वाला जो पार्ट है वो फुली डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंगल पेरेंट बॉडी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं टू डॉटर सेल्स, तो ये भी एक बाइनरी फ्यूजन का क्या है, एक पार्ट है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फ्यूजन। इससे पहले मैं आपको बताता हुआ चलूँ, मेरी बहुत सारी वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, ऊपर मैं कार्ड आपको शो किया हुआ है, आप उसको बार बार ओपन करके देख सकते हैं, आपकी वो सारी चीज़ें काम में आएंगी। मल्टीपल फ्यूजन देखें, इस प्रोसेस के अंदर जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड होती है मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स, मतलब ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड होते हैं मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स में, उसको मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है, और ये ज़्यादातर अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर देखने को मिलता है। इसमें भी कुछ टाइप के जो प्रोटोजोन्स हैं, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मोनोसिस्टिस, इनके अंदर ही ये मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलती है। डायग्रामेटिकल वे में आप यहाँ पर क्लियर करेंगे अपने बात को। देखिए, ये मैंने लिया है पेरेंट सेल, ये आउटर जो लेयर है इसको मैंने कहा है सिस्ट, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, साइटोप्लाज्म बोलते हैं।
अब ये जो साइटोप्लाज्म है, आपको बता दूं, ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है, लेकिन सबसे पहले न्यूक्लियस को देखो। कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बार बार डिवाइड होगा तो बहुत सारी जो न्यूक्लियाई हैं वो प्रोड्यूस करेगा। बहुत सारी जब न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाएंगी तब क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियाई हैं वो साइटोप्लाज्म को यूज करेंगे और न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे साइटोप्लाज्म से कवर्ड हो जाएगा। और इस प्रकार से एक सिंगल सेल से बहुत सारी जो डॉटर सेल्स हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। अब आपको बताता हुआ चलूँ, जब ये डॉटर सेल्स बन जाएंगी तो यहाँ से जैसे ही सेल को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये जो सेल है वो रप्चर हो जाएगी और सारी की सारी जो सेल्स जो अंदर बनी हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी, लिबरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, मल्टीपल फ्यूजन ऑफ इन प्लाज्मोडियम। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। ये जो डायग्रामेटिकल वे में मैंने आपको समझाया है, आप इसको डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं और एग्ज़ाम में इतना करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर प्रोवाइड होंगे। चलिए स्टेप्स बता देता हूँ मल्टीपल फ्यूजन के कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले ध्यान से देखें आप, यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक तो अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर डेवलप कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्ट या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के अंदर वो लगातार डिवाइड होता रहता है और बहुत सारी न्यूक्लियाई क्या है, प्रोड्यूस कर देता है। फिर बाद में क्या होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म सराउंड करेगा और बहुत सारी जो डॉटर सेल्स हैं वो सिस्ट के अंदर क्या होंगी, बननी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब साइटोप्लाज्म क्या है, डॉटर सेल्स के चारों तरफ अपने आप को सराउंड कर लेंगे और बहुत सारी जो डॉटर सेल्स हैं वहाँ पर बननी स्टार्ट हो जाएंगी सेल के अंदर ही। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन होगा तो वो सिस्ट क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा और जितने भी डॉटर सेल्स हैं या स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स हैं वो वहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा ये स्टेप्स है मल्टीपल फ्यूजन का। ये मैंने आपके लिए बहुत ही ईजी वे में लिखा है, आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर, फेयर नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत ही काम आएगा और कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बच्चों, बडिंग। बडिंग से सभी बच्चे वाकिफ़ हैं क्योंकि छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। एक प्रकार से देखें कि पेरेंट बॉडी के ऊपर क्या है, बर्ड अराइज होनी स्टार्ट हो जाती। जब पेरेंट बॉडी में बर्ड अराइज होनी स्टार्ट हो जाती तो वो बर्ड क्या होगी, फुल्ली डेवलप होगी। फुल्ली डेवलप होने के बाद क्या हो जाएगी, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स किसी भी पेरेंट बॉडी के बॉडी सरफेस के ऊपर क्या है, आउटग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो आउटग्रोथ कंप्लीट डेवलप हो जाएगी तो क्या होगी, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं, यीस्ट, सम प्रोटोजोन्स और कुछ लोअर एनिमल जैसे कि हाइड्रा, साइकन, साइलेस, सेल्पा, ये कुछ एग्जांपल लिए मैंने बर्डिंग प्रोसेस के लिए। तो कुछ डायग्राम भी मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाए हैं, ये डायग्रामेटिकल वे में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। बडिंग इन यीस्ट, यीस्ट क्या है, एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये डायग्राम मैंने बनाया है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, इसके बीच में ये मैंने वैक्यूल ड्रॉ किया है और एक ये न्यूक्लियस ड्रॉ किया है। अब आप देखें ध्यान से, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यहाँ पर बर्ड अराइज होती हुई आपको नजर आ रही है। बर्ड अराइज होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे देखो दो न्यूक्लियाई अलग हो गए ना यहाँ पर, तो ये जो बर्ड है ये कंप्लीट डेवलप होगी और डेवलप होने के बाद ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। नीचे वाली जो सेल है वो क्या है, मदर सेल, और ऊपर वाली जो सेल है वो क्या है, डॉटर सेल है। तो इस प्रकार से आप डायग्रामेटिकल वे में क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम के अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, बर्डिंग इन हाइड्रा।
बडिंग इन हाइड्रा, ये मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्रामेटिकल वे में भी आप समझें। ये हाइड्रा का डायग्राम है बच्चों, ये जो ऊपर जो पार्ट्स हैं ये टेंटिकल्स हैं, और ये बीच का जो पार्ट है बिल्कुल स्मॉल पोर्स आपको नजर आ रहा है, इसको माउथ बोलते हैं। अब इसकी बॉडी के ऊपर बर्ड क्या है, यहाँ पर अराइज होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बर्ड यहाँ पर अराइज हो जाएगी, और जैसे ही बर्ड अराइज होगी तो ये बर्ड क्या है, फुली डेवलप होगी। मैंने लिखा भी यहाँ पर, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको, कि बर्ड फुल्ली डेवलप्ड देन डिटैच फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी। पहले ये बर्ड क्या होगी, फुल्ली डेवलप हो जाएगी, और फिर उसके बाद पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जैसे ही अलग होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेरेंट बॉडी है हाइड्रा, वो न्यू हाइड्रा मतलब डॉटर सेल से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और एक नया हाइड्रा यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मतलब सिंगल पेरेंट बॉडी के सरफेस पर क्या है, बॉडी सरफेस पे बर्ड अराइज होती है, बर्ड कंप्लीट डेवलप होगी, और डेवलप होने के बाद पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, वो डिटैच हो जाएगी, और इस प्रकार से एक नया जो यंग वन है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, कोई जाइगोट की फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलती। तो होपफुली बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप मेरे जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और साथ में कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि हम अपनी जो टीचिंग के लेवल है उसको भी इम्प्रूव कर सकें, और साथ में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो भी बना सकें। चलिए गाइस, आपसे फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।